ये मुझसे डर गया है नहाने के बाद से, और ये अब एक हफ्ते तक ऐसे ही करेगा। देखो मैं जैसे जैसे करीब जाऊंगा ये पीछे जाता रहेगा। जगान चलो अंदर, गर्मी हो रही है, अंदर चलो, अंदर आ जाओ, अंदर 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 आराम से जाना, आराम से बगैर मारेंगे तुम्हें। आ जाओ आ जाओ इधर से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ यार, क्योंकि मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं व्लॉगिंग फिर से शुरू कर रहा हूँ, और मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है ना। इतने पुराने पुराने सब्सक्राइबर्स कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप पे रीच कर रहे हैं कि यार तुमने दोबारा शुरू किया, बहुत अच्छा काम किया। थ्रेड्स एंड नेडल्स हमारा एक बहुत पुराना सब्सक्राइबर था, उनका कमेंट आया। फिर रियाज भाई हैं एक पुराने सब्सक्राइबर, उनका कमेंट आया। मेरा भाई है ऑन दोस्त है, उसका मैसेज आया कि यार मेरे पास कुछ तोते पड़े हैं वो भी रख लो, अभी तुम्हारे पास जानवर कम है तो वो भी आ जाएंगे। उसके बाद जितने लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस किए उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे 4000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं, 120 या 130 सब्सक्राइबर्स रह गए। तो यार जो लोग बग़ैर सब्सक्राइब किए वीडियोस को देख रहे हैं, या आप पहली दफ़ा हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलें अब व्लॉग शुरू करते हैं। यार आज मैं बकरों को पहले बाहर निकालूंगा, और आज इनको हरा चारा जो है वो बाहर ही देंगे। तो अभी मैं इनको लेके आता हूँ, और इनको हरा चारा जो है वो यहीं डालते हैं, उसके बाद चूजों वगैरह के पास चलते हैं। यार इस बकरे से ना बहुत डर लगता है, इसके सींग बहुत नुकीले हैं यार, इसको निकालते हुए जो है ना सीरियस वाला डर लग रहा होता है। और ये है भी बहुत ही एक्टिव, ये देखो हरकतें देखो इसकी, इतना पागलपन करता है ना, ये गिरा देगा ये कुंडी। क्या है ये, पागल आगल हो गया? इसको मैं यहां बांध देता हूँ सुल्तान को, क्योंकि ये जैकान से नहीं डरता। जैकान को बाहर लाना है यार, एक सबसे जरूरी काम है वो ये देखना है कि इस जगह से कहीं से जैकान बाहर तो नहीं निकल रहा, क्योंकि बकरीद आने वाली है तो उसमें जैकान ना बाहर ही रहता है जानवरों के साथ। तो बच्चे बच्चे आ रहे होते हैं, किसी को काट ना ले, तो पहले हमें अश्योर करना होगा कि वो यहाँ से बाहर ना निकले। चलो भाई चारा दे दिया बकरों को, अब चलते हैं ऊपर चूजों के पास, और चूजों को जो है वो देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, आज कोई बाहर तो नहीं निकला। आओ अपने बकरों का ड्रोन शॉट लें, ड्रोन शॉट। वो देखो मक्खी चीना को, पागल को क्या कर रहा है, लेट ही गया वो तो भाई। मलका को देखो, कभी सुल्तान का खा रही है, कभी अपनी अम्मा का खा रही है चोरी करके। लेकिन मक्खी चीना ने अपना खाना काफी खा लिया, अच्छी बात है। और गब्बर साहब वहां घूम रहे हैं बाहर मस्त। चलो भाई अब देखते हैं चूजे कैसे हैं। एक तो यार इनको गिनना रोज जरूरी हो गया है, 6 और 7 चूजे तो पूरे हैं, फीड भी इन्होंने पूरी खाई हुई है और पानी भी पिया हुआ है। तो बस अब इनकी ये जगह पे पहले सारा सामान हटाते हैं जो बिल्ली की प्रोटेक्शन के लिए लगाया हुआ है,
और उसके बाद फिर इनको दाना पानी करके नीचे चलते हैं वापस। यार ये गर्मी बहुत है आज। टेम्परेचर जो गूगल दिखा रहा है वो 35 दिखा रहा है, तो ये फील्स लाइक जो है ना वो आराम से 37 होगा। बकरों को चल के अंदर कर देते हैं, और जो इनका चारा बचा है वो भी अंदर डाल देंगे, कहीं इनको हीट स्ट्रोक ना हो जाए। और डबल रोटियां रह गई थी ना, वो मैं ले आया था, वो तोड़ते हैं, इसमें डालते हैं, फिर इनको पानी मिला के देते हैं। कल आपको दिखाया था कि हम फीड भी खरीद के ले आए, तो मैं 10 किलो फीड लाया हूँ, और देखना इंशाल्लाह इस 10 किलो फीड में ही ना ये इतने बड़े हो जाएंगे कि इनको नीचे गब्बर के साथ आराम से छोड़ा जा सकता है, और ये खुद को बचा लेंगे उससे। और जाल तो प्रॉपर ऐसे सेट हो गया है कि अब कोई बाहर नहीं आ रहा, और थोड़ा सा इनको खुद भी पता चल गया है कि इनका दाना पानी अंदर ही मिलेगा, तो ये खुद भी अंदर ही रहेंगे। तो अभी ये मैं इनकी रोटियां तोड़ देता हूँ, उसके बाद इसमें पानी मिलाऊंगा और फिर इनको दे दूंगा। थोड़ी देर के लिए इन्हें बाहर भी निकाल देते हैं कि घूम फिर। ये हमने इसमें पानी डाल दिया जब तक ये सोख होगा। भाई जो लोग जानवर पालते हैं वो भी, और जो नहीं पालते वो भी, बहुत गर्मी है यार, तो ये जो बर्ड्स वगैरह चीले कौवे होते हैं, इनके लिए अगर आपके पास छत है, टेरेस है, कोई भी जगह है, तो थोड़ा सा पानी भर के रख दें ताकि ये भी पानी पी लिया करें। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो ज़रूरी है, और अगर आपने पेट्स पाले हुए तो इनके पानी में ORS ज़रूर मिला के दें। हम तो अब ऐसे मौसम में, अभी क्योंकि आज ही शुरू हुई है, तो ऐसे मौसम में हम तो ORS जो है वो रेगुलर रूटीन में लेके आते हैं, और हफ्ते में 2 दिन लाजमी जयकांत को भी, रोमियो के अलावा यानी कछुए के अलावा सबको, क्योंकि वो इंडोर रहता है तो उसको इतना मसला नहीं है, उसके अलावा सबको हम ना ORS दे रहे होते हैं। हाँ भाई खाना खाओगे? खाना खाओगे? चलो अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। ये लो तुम लोग फीड पे टूटो, ये पानी आ गया तुम्हारा, ये तुम लोगों का दूसरा पानी आ गया, और ये आ गया तुम्हारी ट्रीट। हाँ ये अकलमंद है जिसने देखा इसकी तरफ, अब देखते हैं कि खाता है नहीं खाता है। इसको फंसा देता हूँ यहाँ पे, और यार जल्दी से चलते हैं नीचे, इसको वापस बंद करके जगह को, ताकि जो है वो बकरों को देख सकें कि उनको गर्मी तो नहीं लग रही, क्योंकि हमने पानी भी नहीं रखा था बाहर। वैसे पानी बाहर इतनी सी देर के लिए कोई ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियातन इनको अंदर कर देते हैं, शोर भी कर रहे हैं बकरे इसीलिए। चलो भाई अब जल्दी से नीचे चलते हैं, और बकरों को जो है वो अंदर रखते हैं इससे पहले कि इनको ज़्यादा गर्मी लगे। चलो चलो भाई देखते हैं बकरों ने कितना खा लिया। बकरियों ने तो बिल्कुल भी नहीं खाया, बदतमीज़ हुई है चाहिल, बिल्कुल शोर करे जा रही है। मक्खी चीना ने खा लिया और इसने छोड़ दिया, खैर इनका चारा अंदर कर दे। देखो मक्खी चीना को गर्मी लग रही है, मुंह खोल के सांस ले रहा है। अच्छा ये बड़ा मसला है यार, ये जो पंजाब वाले बकरे होते हैं ना, इनको ये प्रॉब्लम रहती है। मैं इनको जल्दी जल्दी खोल के अंदर करता हूँ, उसके बाद जो है ना फिर इनका दाना भी मैं अंदर ही कर देता हूँ, ये दूसरा जो है।
भाई लूसन ऐसा गर्म हो रहा है, ऐसा लग रहा है उबाला हुआ है लूसन को। चलो भाई ये भी आ गई। अब सबको बांध के पानी दे देते हैं जल्दी से। सिर्फ बकरी के पास ही पानी नहीं है और मलका के, इन दोनों को पानी देते हैं। फिर जयकांत को बाहर निकालते हैं और टेस्ट करते हैं अपनी जगह को। हाँ भाई जयकांत साहब कहाँ भाग रहे हो? जयकांत जब छोटा था ना तो यहाँ बनता था, देखो अभी हड्डी लेके आया अपने साथ और यहीं छुपा दिए। नीचे आओ जयकांत, जयकांत नीचे आओ, उतरो फौरन, उतरो। इधर आओ, इधर आओ, बैठो बैठो, इधर बैठो। ऊपर क्यों गए थे, क्यों गए थे ऊपर? जाओ खा लो अपनी हड्डी, जाओ जाओ खाओ, फिर पीछे चलेंगे, जल्दी खाओ। चलो भाई अब देखते हैं कि यहां से कहीं से बाहर तो नहीं निकल सकता। मुझे एक पीछे दिखाना, ये दरवाजे के नीचे वाली जगह, इधर से मुझे डाउट है कि ये निकल सकता है, और एक मुझे इधर यूं करके निकल सकता है ये, तो शायद हमें जाली लगानी पड़े। लेकिन अभी देखते हैं, ये भी पहली दफा आए इस जगह के बनने के बाद, तो ये भी अभी सूंघ रहा है। आओ अंदर आओ, इधर से आओ। ओहो अपनी मार्किंग करना स्टार्ट कर दी इन्होंने, जबकि इसका शुरू का टाइम है नहीं, मगर बस नई मट्टी पड़ी है ना उस पर जान के कर रहा है। क्या हो गया, डरा दिया पागल? चलो यार दो तीन दिन इसको लगातार लाना पड़ेगा, पहले आगे इसको समझ आ जाए कि इस जगह से बाहर नहीं जाना, मुझे रस्सी बांध के लाना पड़ेगा। उसके बाद जो है फिर क्या कहते हैं इसको खुला छोड़ना पड़ेगा यहाँ पे, और तभी ये जगह टेस्ट होगी कि बाहर निकलता है या नहीं। ये वाली जो पोर्शन है यहाँ से तो निकल सकता, उस साइड पे जो जगह बनी हुई है, जो दो जगह मैंने दिखाई है, वहाँ से शायद ये बाहर निकल जाए। तो भाई इसके साथ मैं आज का व्लॉग कर रहा हूँ क्लोज। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और कॉमेंट्स में ज़रूर बताया कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।